अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपकी उर्दू नटबान और मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। आज हम नटबान पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर एक पर देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि उर्फ़ दहजे के मुताबिक तरतीब देकर आप लोगों ने लिखना है, आप लोगों ने कर लिया होगा। सफ़ा नंबर दो पर आइए और ये मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने खुद करना है, आप लोगों ने कर लिया बच्चों। अब आ जाइए सफ़ा नंबर पाँच पर। आज हम पढ़ेंगे वाहिद से जमा बनाना। वाहिद से जमा किस तरीके से बनाते हैं, पहले तो आप देखिए वाहिद जमा होते क्या हैं। ठीक है, एक जो अकेली चीज़ होती है उसको हम कहते हैं वाहिद, और एक से ज़्यादा जितनी होती हैं हम उसको क्या कहते हैं, जमा। जैसे कि अगर एक किताब है, किताब हमारी वाहिद, और बहुत सारी किताबें हमारी जमा। आप यहाँ देख सकते हैं किताब, ये क्या है, वाहिद, क्योंकि ये एक है। किताबें यानी कि एक से ज़्यादा हैं, तो ये क्या लिखेंगे, हम किस में लिखेंगे, जमा में। चीज़ से चीज़ें, तस्वीर से तस्वीरें, बात से बातें, दुकान से दुकानें। समझ आई आप लोगों को। अच्छा, ये वो वाहिद जमा है जिसकी जमा बनाने के लिए हम ये लगाते हैं, ये और नून गुन ए, उनकी आवाज़ किस तरीके निकलती है, किताबें। ठीक है, अच्छा अब दूसरे कौन से हैं जिसमें अलिफ और नून गुन्ना लगाकर हम उसकी जमा बनाते हैं, जैसे कि अच्छाई से अच्छाइयाँ, कुर्सी से कुर्सियाँ, लकड़ी से लकड़ियाँ, गाड़ी से गाड़ियाँ, बुराई से बुराइयाँ। समझ आ गए आप लोगों को। अच्छा तीसरा देखते हैं, वहाँ पर क्या लगाते हैं, ऊ की आवाज़ निकलती है, जैसे कि वाह और नून गुन्ना लगाकर हम इसके जमा बनाते हैं, जैसे लोग से लोगों, खेल से खेलों, दफ्तर दफ्तरों, मुल्क मुल्कों, वज़ीर वज़ीरों। समझ आई, आगे देखें, लफ्ज़ के आखिरी अलिफ और हे को ये में बदलने से, जिसके जिन लफ्ज़ में हे आता है या अलिफ आता है और बड़ी या को उसमें किस में बदलते हैं, हम बड़ी ये में, कैसे, परिंदा, परिंदे। अब हमने यहाँ पर ये नहीं लगाया, ना ये लगाया, ना ये लगाया, सबकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो जिसके आखिर में क्या आया, हे आया, तो हमने उनको किस में चेंज करना है, बड़ी ये में। परिंदा से परिंदे, जूता से जूते, अच्छा से अच्छे, बंदा से बंदे, अंडा से अंडे, डंडा से डंडे। अब इधर देखिए, अलिफ पर ख़त्म होने वाले अरबी और फारसी अल्फाज, अब जो अलिफ और अलिफ पर ख़त्म होते हैं उनमें हम क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं, कैसे, सदा से सदाएं, हवा से हवाएं, अदा से अदाएं, कबा से कबाएं, धुआं से धुआएं, गज़ा से गज़ाएं। समझ आई, नोट पढ़ लेते हैं, हे पर ख़त्म होने वाले बाज अल्फाज की जमा ये लगाने से भी बनती है। ठीक है, जैसे आरामगाह से आरामगाहें, पनाहगाह से पनाहगाहें, जगह से जगह। जर ज़ेल वाहिद जमा को भी जहन नशीन कर लीजिए। देखिए वाहिद के इसका, तो हम इसको चेंज करेंगे कैसे, उनका, क्योंकि वो एक है तो हम बोलेंगे उसका पैन है। ठीक है, और अगर वो बहुत सारे हैं तो हम क्या बोलेंगे, उनके पैन हैं, इसने, उन्होंने, ये काम उसने किया। ठीक है, अगर एक है, अगर एक लड़की है तो हम बोलेंगे ये काम उसने किया है, और अगर बहुत सारी लड़कियां हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये काम इन उन्होंने किया है। अंडरस्टैंड, किसका, किनका, किसने से किन्होंने, जिसका, जिनका, जिसने, जिन्होंने, कौन सा, कौन से, ऐसा, ऐसे, जैसा, जैसे, कैसा, कैसे, वैसा, वैसे, इतना, इतने, कितना, कितने, जितना, जितने। समझ आए स्टूडेंट्स। सफ़ा नंबर छः पर आइए, अब हमने क्या करना है, दर्ज ज़ेल वाहिद की जमा बनानी है। देखें, पेंसिल से पेंसिलें, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, मिसाल से मिसालें, जूती से जूतियाँ, कोठी से कोठियाँ, बात से बातें, मूर्ति से मूर्तियाँ, देख सकते हैं आप मूर्तियाँ, दिख रहा है, अच्छा, रात से रातें, शिकायत से शिकायत, नेकी से नेकियां, गहराई से गहराइयां, घाटी से घाटियां, कोशिश से कोशिशों, हिकायत से हिकायतें, दवात से दवातें, औरत से औरतें, चोट से चोटें, अलमारी से अलमारियाँ, टांग से टांगे, बीमारी से बीमारियाँ, किस्म से किस्में, रस्म से रस्में, ज़बान से ज़बानें, इबारत से इबारतें, रोशनी से रोशनियाँ। समझ आई, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। आप लोगों ने अच्छे से ये काम करना है अपनी नटबान की बुक में। ठीक है, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।